जैसा कि आप लोकेशन से देख ही रहे होंगे कि किस तरह का एरिया है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को बनाने से पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम फहद है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और करेंटली मैं ओमान में काम कर रहा हूँ, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर ट्रांसमिशन लाइन में काम करना है तो हमें आउटसाइड में ही रहकर काम करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह मैं भी आउटर एरिया में रहकर काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोकेशन से देख ही रहे होंगे कि किस तरह का एरिया है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है अपने लिए। तो बैठे बैठे सोचा क्या किया जाए सोचा क्या किया जाए, कुछ वीडियो ही बनाया जाए। तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं आपको कि हम किस एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या काम होता है और किस तरह से काम होता है। सब कुछ डिटेल हम आपको धीरे धीरे देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, यहाँ देखने के बाद दिन में तो खैर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को हम दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम होता है और काम को करने का प्रोसीजर क्या होता है, ख़ासतौर पे ओमान में सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या इशू होते हैं। देखिए, अगर आपको ओमान में या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में काम करना है, ख़ासतौर पर ट्रांसमिशन लाइन में, तो आपको तो पहली बात धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोपहर के समय में धूप तेज़ होती है। तो ऐसा नहीं कि आपको, आप इंजीनियर हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी आपको बार बार धूप में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी काम पड़ेगा, बाई चांस किसी को डायरेक्शन देना है या सुपरवाइज़र को कुछ इन्फॉर्म करना है या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आपको निकल कर बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए धूप को बर्दाश्त करना आना चाहिए। खैर, यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर ना ओमान में या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में एक इंजीनियर से ज़्यादा पावर सेफ्टी ऑफिसर को होता है, जो कि मैंने अपने एक साल के एक्सपीरियंस में देख लिया है। सेफ्टी ऑफिसर को ज़्यादा पावर होता है, वो कभी भी आके काम को रुकवा सकता है। खैर, ये जो पावर मिला है उनको ओमान गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, क्योंकि ओमान गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई भी बंदा उनकी कंट्री में काम करने के लिए आए और वो किसी भी तरह की चोट लेके, या मतलब घायल होके या किसी भी तरह की इंजरी लेके वापस अपनी कंट्री जाए। इसलिए उन्होंने सेफ्टी से रिलेटेड बहुत से रूल एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं, जिसको हमको हर हाल में फॉलो करना है। यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड ही हैं। वैसे ट्रांसमिशन लाइन में देखा जाए तो काम उतना इजी होता भी नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, ओमान में काम करना इतना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। पूरा ओमान को इसलिए ही खाड़ी देश कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को पास करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इससे कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एक्सेस रोड पहले बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोकेशन जो होती है ना, मैक्सिमम मतलब समझ लीजिए 75% जो लोकेशन होती है वो हिल से ही होकर गुजरती है, बाकी 25% जो होती है प्लेन में होती है। हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो नियर अबाउट 80% लोकेशन हिल पे है, 20% प्लेन में है। उस 80% में मिनिमम 50% टॉप हिल पे है। टॉप हिल मतलब वहाँ पहुँचने के लिए, एक एक लोकेशन पहुँचने के लिए कहीं कहीं 15 दिन 20 दिन ऐसे टाइम लग रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे लोकेशन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्सेस रोड बनाया जाता है। एक्सेस रोड बनाने के बाद फिर उसकी बेंचिंग होती है, मतलब पहाड़ को कट करके अच्छे से उसको प्लेन एरिया बनाया जाता है, वहाँ बेंचिंग होती है। फिर उसके बाद एक्सवेशन होता है, ड्रेसिंग होती है, पीसीसी होती है, चिमनी होती है, जितने भी काम होते हैं वो होते हैं, ये सब फाउंडेशन लेवल के काम होते हैं। फिर उसके बाद इरेक्शन स्ट्रिंगिंग का काम होता है। लेकिन फाउंडेशन के काम हो गया तो आधा काम मतलब हो गया। तो खैर, यही सब प्रोसेस होता है काम करने का। फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक्सेस रोड का है। हम लोग लोकेशन ढूंढते हैं, लोकेशन ढूंढने के बाद वहाँ पर रोड किस तरह से जाएगा वो लेके जाते हैं। हालांकि ड्राइंग दी रहती है, ड्राइंग के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से मार्किंग होती है, उसके बाद रोड को ले जाना रहता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बाद में क्या है ना, पहाड़ी इतनी डिफ़िकल्ट आने लगी, जब हाइट पर ज़्यादा पहाड़ी आने लगी तो ड्राइंग कहीं कहीं, मतलब ड्राइंग में जो कटिंग वगैरह दी गई, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो थोड़ा सा अलग किस्म से दिया गया है, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए हमको परमिशन मिल गई है कि हम लोग अपने हिसाब से भी रोड ले जा सकते हैं। इसलिए अब जितना रोड हम लोग लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम रोड अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग को इजी लग रहा है हम लोग वहीं से लेके जा रहे हैं। तो ये एक्सेस रोड का काम चल रहा है यहाँ पे।
जैसा कि आप लोग आवाज़ सुन ही रहे होंगे, मशीनें चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है धीरे धीरे। तो बस यही है, अभी फ़िलहाल एक्सेस रोड का काम चल रहा है, इसके बाद बेंचिंग स्टार्ट होगी, एक्सवेशन स्टार्ट होगा। मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी पीछे हम लोग की कंपनी में वहाँ कहीं इरेक्शन स्ट्रिंगिंग भी स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें एक साथ करीब 24-25 लोकेशन चल रही है। जैसे मैं यहाँ एक्सेस रोड कर रहा हूँ, दो टीम और एक्सेस रोड कर रही है, 3-4 टीम बेंचिंग कर रही है, 4-5 टीम एक्सवेशन कर रही है, इसी तरह कुछ एक टीम ड्रेसिंग कर रही है, बाकी कुछ टीम फाउंडेशन का काम कर रही है, इरेक्शन का काम चल रहा है, बैक फिलिंग का काम चल रहा है। ठीक है, बस आपको इतना ही बताना था। आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, जो भी सिस्टम है हम आपको चल के दिखाएंगे। आज तो बस ये बताना था कि खाली वक्त में हम भी थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो जुड़े रहिएगा अगर आपको देखना है इन पहाड़ों पे हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे यहाँ पे आते हैं, कैसे जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आगे आपको बताते रहेंगे। ओके।